हर तरफ से फांसीवाद का, चारों तरफ से फांसीवाद का जिस तरीके से हमला हो रहा है, पंसारे दाभोलकर कलबुर्गी की हत्या कर दी जाती है और उसी की कड़ी में रोहित का नाम भी जोड़ दिया गया है। तो इस दमन के दौर में भगत सिंह को याद करते हुए मैं भगत सिंह के लास्ट पिटीशन से कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। लेट अस डिक्लेयर दैट द स्टेट ऑफ वॉर डज एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट सो लॉन्ग दैट इंडियन टॉयलिंग मासेस एंड देयर नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय हैंडफुल ऑफ पैरासाइट्स। द वॉर नेदर बिगन विद अस नॉर इज इट गोइंग टू एंड विद आवर लाइव्स। और इसी रोहित का जो सपना था, हम सभी को मतलब उसके सपने को आगे ले जाने के लिए कवि पाश ने कहा है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से रोहित के सपनों को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से अंबेडकर के सपनों को हम आगे तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से भगत सिंह के सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। अभी अप्पा राव मतलब हमारे यूनिवर्सिटी को तो एक प्रिजन बना ही दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पुलिस ब्रुटेलिटी हुआ, एक्शन हुआ, उसमें अप्पा राव और बाकी क्रिमिनल्स मर्डरर्स उनको अरेस्ट करने के बजाय जेल जाते हैं तो छात्र जेल जाते हैं, टीचर्स, और किस तरीके से कन्हैया उमर अनिर्बान उनको जेल में भरा जाता है, फिर यहाँ पर छात्रों पे दमन किया जाता है। अप्पा राव से यही कहना चाहेंगे कि जेल इतना डेमोक्रेटिक है, आप जेल जाके एक बार जाके आइए, डेमोक्रेसी सीख जाएंगे, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक हो जाएंगे अगर जेल जाएंगे एक बार। अभी हम मतलब जेल में जाने तक के सफर में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, सब लोग बोल चुके हैं कैसे मारपीट हुआ हम लोगों के साथ, बाकी वो सब बातें अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कैपिटल का, प्राइवेटाइजेशन का जिस तरीके से इंस्टीट्यूट्स पे हमला है, एजुकेशन को किस तरीके से प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, एजुकेशन को एक इंडस्ट्री बना दी जा रही है, और उसी को सुरक्षा देने के लिए आज इनको CISF की जरूरत पड़ रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत इस कैंपस में है। अप्पा राव शेमलेसली उसकी डिमांड कर रहा है। और मतलब हम इन सभी संगी लोगों को तो ये चेता देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास चाहे कितना भी दमन के तरीके हो, कितना भी हथियार हो, लाठी हो, बंदूक हो, हम लोगों के पास हमारी एकता है, हमारे संघर्ष हैं, हमारे स्लोगन्स हैं, हमारे नारे हैं। तो वो डरते किस चीज़ से हैं? वो डरते हैं हमारी एकता से, डरते हैं हमारी यूनिटी से, डरते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ 5 लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये स्लोगन उठा था और आज मतलब हम सब साथ में हैं और ये हमने प्रूव कर दिया है, वी आर मोर देन 5। तो बस मैं अपनी बात शायर लुधियानवी की एक कविता से ख़त्म करना चाहूँगा। तुमने जिसे पूछा हो मक्तल में दबाना चाहा, वो आज पूछा हो बाजार में आ निकला है, कहीं शोला कहीं पत्थर कहीं नारा बनके।